बारिश थोड़ा रुक चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हम भी हमको अभी भी 16 किलोमीटर जाना है चढ़ाई पर, तो यहाँ से हम लोग इसलिए जल्दी निकलेंगे। बहुत ठंड लग रहा है गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है बहुत। आप लोग मत आइए साइकिल में, हमको देखकर कोई नहीं आना ऐसे ही साइकिल पे, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ का वेदर क्या है, बहुत ही बारिश हुआ अभी, वेदर ठीक है और व्यू भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है अभी। ये चेक करो गाइस, ये है रानी पुल, यहाँ से लेफ्ट गैंगटॉक जाएगा सीधा, क्या कहा जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छा है गैंगटॉक। 10 किलोमीटर है इसलिए हमको जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे क्या करना है। यहाँ से लगभग 9.6 किलोमीटर है गैंगटॉक, और ऊंचाई पर है जो कि हमको बहुत मेहनत लगेगा, तो हम अभी निकलते हैं। ऊपर में जो है वो है गैंगटॉक का, गैंगटॉक टाउन है। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए गैंगटॉक। गाइस आप लोग गैंगटॉक में आएंगे तो आप लोगों को ये सब देखने को मिलेगा, और इधर से ऊपर में हुए एमजी मार्केट और सामने एक मंदिर है जहाँ पर हम अभी जाएंगे, गणेश जी। इधर से मंदिर का मेन गेट, बहुत ही शांत है क्योंकि यहाँ पर सब लोग शांति से आते हैं, पूजा करते हैं। और अभी हम लोग ना ऊपर जाएंगे एमजी मार्केट तक, और यहाँ पर हम दिखाते हैं आप लोगों को सब कुछ, यहाँ पर हमारा भोलेनाथ जी। हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी और 6 किलोमीटर जाना है, और उस पर है हमारा साइकिल, और इधर है मंदिर। अभी हम हमारा 1 लाख रुपया वाला जूता पहन लिया है, अभी हम ऊपर जाएंगे। तो गाइस अभी भी गैंगटॉक 5 किलोमीटर बाकी है, और यहाँ पर एक नारा वधूवर कॉलेज है ये पर, और इधर है गैंगटॉक का रास्ता जो कि बहुत सुंदर। पहुंच चुके हैं गैंगटॉक, 1 साल पहले इस दीदी से मिल चुके थे हम, तो अभी दीदी को हमने 2 दिन पहले फ़ोन किया, और अभी दीदी हमको मिलने के लिए नीचे आ रहा है, और ये दीदी का बेटा, हाई कर दीजिए थोड़ा। ओके अच्छे अब हाय अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। कहाँ गया अभी तक? कहाँ गया? चार धाम गया। और कैसा रहा यार? कैसा गया? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा
की फ्रेंड है तो है, वो नया है लेकिन हमारा दोस्त है। फिर आज शाम को खाना था हमारा होटल रूम होटल में रहेंगे नीचे हम लोग के पास सो जाओ फिर चलो हमारा घर में सो जाओ ठीक है नीचे। हाँ और एम जी मार्ग कहाँ है ऊपर इधर है। हिंदी गाना गाता हूँ किचन में मेरे दिल की जब टूट जाती है कोई आंसू का दीदी के घर में आके हम लोग बहुत सारा मस्ती मजाक किया और उसके बाद एक एक रिक्वेस्ट करते करते हम लोग बहुत सारा गाना गवा लिया भैया से जो कि बहुत ही सुंदर अच्छा बजाते हैं और गाते भी हैं और हमको भी थोड़ा गाना नहीं आता है। ऐसे गाना सुनते सुनते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला और हमारा रात भी बहुत अच्छा सा कट गया यहाँ पर दीदी के घर में। और दीदी भी बहुत ही अच्छा है, उनका पूरा फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं कभी नहीं इस रात को भूल सकता हूँ क्योंकि हम इस रात को बहुत सारा एंजॉय किया था। मेरा लाइफ का पहला दिन ऐसा था। गाना सुनते सुनते बहुत देर रात हो चुका है और हम लोग खाना पीना करके सो गया है। आप लोग भी सो जाइए, गुड नाइट गाइस। और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है।